गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। हिंदी लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट? क्या चल रहा था? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कविता जी दिन पढ़ा रही थी। क्या पढ़ाए थे? पोयम पढ़ाए थे ना। कौन सी थी? फूल और कांटा। सुंदर थी ना पोयम। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है कि दोनों एक ही जगह जन्मे हैं लेकिन उनका अंतर बहुत है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर है 19। चैप्टर 19 है हमारा सच्चे मित्र। ठीक है, क्या होता है कभी कभी हम दोस्ती ऐसे लोग से कर लेते हैं, बात मत कीजिएगा रोहित पीहू, नहीं समझ में आता है तो पूछा कीजिए लेकिन आपस में बात मत कीजिए, डिस्टर्ब होती है क्लास आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों की वजह से। वीडियो ऑफ कीजिए पहले, क्योंकि वीडियो ऑन करोगे तो पूरा टाइम वीडियो में ही दिमाग रहेगा आप लोगों का, पढ़ाई पे नहीं। वीडियो ऑफ करो, ऑडियो बस ऑन करोगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तब पूछिएगा। ठीक है, हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लो, चैप्टर नंबर 19। क्लियर है रोहित पी हूँ? चलिए। यस मैम। चैप्टर नंबर 19 है सच्चे मित्र। सच्चे मित्र देखो क्या होता है कि कभी हम दोस्ती जिनसे करते हैं, हम फ्रेंडशिप जिनसे करते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए वो सच्चे होते हैं, हमें कभी धोखा नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मित्र तो होते हैं लेकिन वो हमें समय आने पर या तो हमारी हेल्प नहीं करेंगे या फिर हमें धोखा देंगे। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि सच्चे मित्र की एक कहानी है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे वो दोनों आपस में सच्चे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बच्चों, बोलो। हर्ष, रिशिता, प्राची रानी। यस मैम। यस मैम। चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से हम बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आज। तो चैप्टर एकदम से ध्यान से पढ़िएगा, कौन कौन है इसमें, क्या बात हो रही है, सब ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले की बात है, तीन मित्र एक। आवाज है क्लियर अब? यस मैम। और चलिए, बहुत पहले की बात है, तीन मित्र एक कछुआ, कठफोड़वा तथा हिरण एक झील के किनारे रहते थे। कौन थे तीन मित्र? कछुआ था। इस पाठ का नाम क्या मैम? सच्चे मित्र। और हिरण मैम। ठीक, तीन मित्र थे। हाँ बोलो मैम। कठफोड़वा मतलब क्या होता है? एक पक्षी का नाम है। ठीक है, कठफोड़वा मतलब क्या होता है? एक पक्षी होता है जो मैम एक पक्षी का नाम। बोलो क्या हुआ? कठफोड़वा एक पक्षी का नाम होता है जो देखो कभी कभी आप लोग देखते होंगे जिसमें लकड़ी या काट की बनी चीजों में वो छेद करता है, इसीलिए उसका नाम है कठफोड़वा। मतलब कट या जो काट या लकड़ी, हाँ जो लकड़ी की चीजें होती हैं। ठीक है, लकड़ी से बने जैसे पेड़। ज्यादा से ज्यादा पक्षी किस पे बैठते हैं बताइए? पेड़ पे। जो लकड़ी होती है उसकी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, शाखा होती है ना, तो उसमें देखो वो बीच में छेद करता है। ठीक है, वो हर जगह क्या करता है? काठ या लकड़ी की चीजों पे वो छेद करता है। किससे? अपनी चोंच से। जो कठफोड़वा होता है वो अपनी चोंच से उस पे छेद करता है, इसीलिए उसका नाम है कठफोड़वा या एक पक्षी है। समझ गए? यस मैम। ठीक, तीनों मित्र क्या करते थे? झील के किनारे रहते थे। झील मतलब एक झरना था, नदी थी, उसके किनारे रहते थे। वे अपना अधिकांश मतलब अधिक से अधिक समय भोजन की तलाश, तलाश मतलब होता है खोजना, ठीक है, तलाश में तथा एक साथ खेलने में व्यतीत करते थे। ठीक है, अधिकांश मतलब होता है, बताइए क्या होता है अधिकांश का मतलब? मैम ज्यादा से ज्यादा समय।
ज्यादा से ज्यादा समय, ठीक है। और तलाश मतलब होता है खोजना। तो वो क्या करते थे, ये तीनों अपना ज्यादा समय कहाँ व्यतीत करते थे, भोजन की तलाश में, मतलब भोजन खोजने में ही व्यतीत करते थे और साथ खेलने में। एक दिन एक शिकारी झील के किनारे आया। एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी था, वो झील के किनारे आता है। वहां उसने हिरण के पैरों के निशान देखे तो सोचने लगा, मैंने पिछले कई दिनों से किसी भी जानवर को नहीं पकड़ा। तो ये शिकारी था, वो सोचता है, वो देखता है कि जमीन में पैरों के निशान रहते, किसके, हिरण के पैरों के निशान रहते हैं। तो शिकारी उसी टाइम सोचता है कि मैंने बहुत दिन से जानवरों को, किसी भी जानवर को अभी तक नहीं पकड़ा है। इन पैरों के निशानों का अर्थ है कि हिरण कहीं आसपास ही, वो उस पैरों के निशान से क्या समझता है कि जो हिरण है वो कहीं आसपास ही है, मुझे उसके लिए जाल बिछाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए जाल बिछाना चाहिए। यह सोचकर शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। यह सोचकर उसने क्या किया कि हिरण यहीं आसपास है, तो उसने क्या किया, उसमें वहां पे एक जाल बिछा दिया। जिस रास्ते पर उसने पैरों के निशान देखे थे, मतलब जिस रास्ते से वो पैरों के निशान देखे थे, वहां उसे एक झील के किनारे तक ले गए। वो क्या देखा कि जैसे जैसे हिरण के निशान थे पैरों के, जब वो शिकारी उसके पीछे पीछे चलता गया तो उसने देखा कि एक झील है, ठीक है। वहां हिरण अक्सर पानी पीने के लिए आता था, जो हिरण था वो पानी पीने के लिए हमेशा आता था। हमेशा की तरह अगली सुबह हिरण झील की तरफ चल पड़ा। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर हुई, तो ये हिरण था क्या करता, तब उस झील से पानी पीता था। तो अगली सुबह फिर उसने वही काम किया। वहां अपने लिए बिछाए गए उस जाल से अनजान था। अब हिरण को तो ये नहीं पता था कि शिकारी क्या किया, मेरे लिए जाल बिछाया है, तो उससे क्या था, वो अनजान था। शीघ्र ही बेचारा हिरण जाल में फंस गया। शीघ्र ही मतलब जल्द ही क्या हुआ, हिरण उसकी चाल में फंस गया। वह डर के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा। डर क्या हुआ, उसे डर हुआ कि मैं जाल में फंस गया हूं, तो वो क्या करता है, चिल्लाने लगा। आप लोग भी हो, कोई मुसीबत होती है तो फंस जाते हो तो क्या करते हो, आवाज देते हो ना मम्मी पापा को। तो इसी तरह हिरण भी क्या किया, जब फंस गया तो वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। कछुए और कठफोड़वे ने हिरण की सहायता के लिए पुकार सुनी। उसने क्या किया, कठफोड़वा जो ये कछुआ था वो हिरण की आवाज सुन लेता है, हिरण के पास पहुंच जाता है। वहां उन्होंने देखा कि हिरण जाल में फंसा हुआ है। वह क्या देखता है कि हिरण जो है वो जाल में फंसा हुआ है। अपने मित्र को इस स्थिति में देखकर दोनों बचाव का उपाय सोचने लगते हैं। वह उस कंडीशन मतलब स्थिति में देखते हैं तो सोचते हैं अब हम इसका बचाव कैसे करें। कुछ क्षण पश्चात कठफोड़वे ने सलाह दी, प्रिय कछुए तुम्हारे दांत तो बहुत मजबूत हैं, तुम इस जाल को कुतर क्यों नहीं देते हो। जो कछुआ था वो कठफोड़वा से कहता है, नहीं जो कठफोड़वा था वो कछुए से कहता है कि तुम्हारे दांत तो बहुत ही मजबूत होते, तुम इसे कुतर क्यों नहीं देते। कछुए ने कहा, कठफोड़वे की सलाह मान ली, कछुए ने कठफोड़वे की सलाह मान ली और जाल कुतरने में व्यस्त हो गया। उसने क्या किया, जो कछुआ था वो जाल को कुतरना स्टार्ट कर दिया। कठफोड़वे ने कहा, मैं तब तक शिकारी के तंबू के पास जाता हूँ। ये कठफोड़वा क्या कहता है कि मैं शिकारी के तंबू मतलब जहां पे वो बैठा है, जहां पे अपना बनाया है घर, मैं वहां पर जाता हूँ और उसे यहाँ आने से रोकता हूँ। कठफोड़वा क्या कहता है कि तब से तुम कुतरो जाल को, मैं उसे यहाँ आने से रोकता हूँ। कठफोड़वा उसी स्थान पर पहुंच गया जहां शिकारी ने अपना तंबू डाला था। क्या हुआ, जो ये कठफोड़वा था वो क्या किया, शिकारी के पास पहुंच गया जहां पे वो रहता था। तंबू मतलब होता है टेंट टाइप का जो बना के रहता है। इसी बीच शिकारी ने हिरण के रोने की आवाज सुन ली थी। इसी बीच क्या हुआ था, जो शिकारी था उसने हिरण के रोने की आवाज सुन ली थी। वह जान गया था कि हिरण जाल में फंस गया है। वहां शिकारी को क्या लगा कि हिरण जो है वो जाल में फंस गया है।
इसलिए हिरण को पकड़ने के लिए वह जैसे ही तंबू से बाहर निकला, कटफोड़वे ने जोर से उसके सिर पर अपनी चोंच से हमला किया। वो क्या किया, जैसे ही शिकारी ने वहां से निकला कि मैं अब हिरण को पकड़ लूं क्योंकि वो फंस गया, तो उसी उसी क्षण उसने क्या किया, कटफोड़वे ने उसके सर पे चोंच मारी। फलस्वरूप दर्द के मारे वह अपने सिर को पकड़कर वापस तंबू में चला गया। परिणाम क्या हुआ कि उसे सर में दर्द होने लगा और वो क्या किया, वापस तंबू में चला गया। कुछ देर बाद इधर उधर देखने पर उसने पाया कि एक कटफोड़वे ने उस पर हमला किया था। कुछ देर बाद शिकारी को समझ में आया कि जो कटफोड़वा था उसने क्या किया था, मेरे सर पे हमला किया था, और तंबू के एक सिरे पर वह अभी भी बैठा था। वो क्या देखता है शिकारी वहां से कि तंबू के एक सिरे पे अभी भी कटफोड़वा बैठा हुआ है। शिकारी मन ही मन बुदबुदाया, मतलब बड़बड़ाया, अगर मैं बाहर निकला तो कटफोड़वा फिर से हमला कर सकता है। शिकारी क्या सोचता है कि अगर फिर से मैं यहाँ से निकला तो कटफोड़वा हम पे हमला फिर से करेगा। हिरन तो भाग नहीं सकता, वो सोचता है हिरन तो भागेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो जाल में फंस गया है, इसलिए जल्दी भी क्या है, वो सोचता है अब जल्दी भी क्या है, इस बार मैं उसे मूर्ख बनाऊंगा, इस बार कटफोड़वे को मैं मूर्ख बनाऊंगा, मैं सामने के द्वार से ना जाकर पीछे के द्वार से निकलूंगा। वो क्या सोचता है शिकारी कि मैं आगे से नहीं जाके मैं पीछे से दरवाजे से बाहर निकलूंगा। कटफोड़वा भी बहुत चालाक था, कटफोड़वा था वो भी बहुत चालाक था, उसने सोचा मुझे तंबू के पीछे पहुंचना चाहिए। कटफोड़वा भी क्या सोचा कि शिकारी बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है, तो वो क्या करता है, वो पीछे के दरवाजे पे चला जाता है। इसलिए जब शिकारी पीछे के दरवाजे से बाहर निकला तो कटफोड़वे ने शिकारी पे दोबारा हमला किया। फिर क्या था, शिकारी जैसे ही दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है तो कटफोड़वा जो रहता है फिर से उस पर हमला करता है। कटफोड़वे के हमले से बचने के लिए शिकारी सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कटफोड़वा उस पर हमला क्यों कर रहा है। शिकारी को ये बात नहीं समझ में आ रही थी आखिर में ऐसा क्या है जो कटफोड़वा बार बार हम पे हमला कर रहा है। यहाँ तक कि उसे यह भी दिखाई नहीं दिया कि वह कहाँ जा रहा है, वो क्या सोच रहा है कि अभी तक इसको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। वह कटफोड़वे से डर गया था, वो क्या हुआ, कटफोड़वे से डर गया था। तब किसी तरह वह उसके पहुंच से दूर निकल जाना चाहता था, वो चाहता था शिकारी कि मैं इसके चंगुल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन कटफोड़वा अभी भी उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ जा रहा था। फिर क्या हुआ, भागते भागते वह पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। वो क्या हुआ, जैसे ही शिकारी कहा कि मैं चलो भागू, तो जैसे ही वो भाग रहा था वो क्या करता है, पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कटफोड़वे ने शिकारी को वहीं छोड़ दिया। क्या हुआ, जब देखा कटफोड़वा कि शिकारी बेहोश हो गया है तो वहीं उसे छोड़कर भाग जाता है और उड़कर अपने मित्रों के पास पहुंच गया, मतलब कहां, जहां पे हिरन और कछुआ थे वहां पर पहुंच जाता है। अपने मित्रों के पास पहुंचने पर उसने देखा कि इतनी देर में कछुए ने हिरन को शिकारी की जाल से मुक्त कर दिया। जब कटफोड़वा वहां पर जाता है तो क्या देखता है कि जो कछुआ है वो उसने पूरी जाल को काट दिया और क्या किया, वहां से हिरन बाहर आ गया है, मुक्त हो गया, मतलब आजाद हो गया है जाल से। हिरन ने अपने मित्रों को धन्यवाद किया, जो हिरन था वो कटफोड़वे और कछुए को धन्यवाद देता है कि तुमने, तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया। अचानक कटफोड़वे ने देखा कि शिकारी फिर से उनकी तरफ ही आ रहा है। कटफोड़वे की नजर तेज थी, वो क्या देखता है कि शिकारी वापस से यहाँ पर फिर आ रहा है। उसने कहा मित्रों हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो क्या कहता है कि मित्र हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, शिकारी इधर ही आ रहा है। हिरन और कटफोड़वा तो भाग गए, क्या हुआ, हिरन और कटफोड़वा तो भाग गए, परंतु कछुआ धीरे धीरे रेंग रहा था क्योंकि कछुआ तेज भाग नहीं सकता, वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए शिकारी ने क्या किया था, कछुए को पकड़ लिया। क्या हुआ, जो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, बाकी हिरन और जो कटफोड़वा था वो भाग गए, लेकिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया। हिरन की जान बचाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, शिकारी कछुए से क्या कहता है कि हिरन की जो तुमने जान बचाई है इसकी जिम्मेदारी, जिम्मेदार तुम हो।
इसलिए आज दोपहर तुम्हारा तुम ही मेरा भोजन बनोगे। जो शिकारी रहता है वो क्या कहता है कछुए से कि इसलिए आज तुम मेरा भोजन बनोगे। उधर हिरण ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कछुआ शिकारी के कब्जे में है। वो जब हिरण पीछे पलट के देखता है मुड़कर देखता है कि जो कछुआ है वो क्या है अभी भी शिकारी के कब्जे में है। उसने सोचा यदि मैं शिकारी के नजदीक गया तो वह कछुए को छोड़कर मुझे दोबारा पकड़ने की कोशिश जरूर करेगा। वो क्या सोचता है, वो फिर सोचता है कि अगर मैं इसके पास फिर वापस से गया शिकारी के पास तो वो क्या करेगा, वो उस कछुए को छोड़ के मुझे दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा। जब वह मेरा पीछा करेगा तब मैं भाग जाऊंगा, इस तरह कछुए की जान भी बच जाएगी। इस प्रकार हिरण जानबूझकर शिकारी के नजदीक पहुंच गया। हिरण ने क्या सोचा था कि अगर मैं इसके शिकारी के पास जाऊंगा तो वो कछुए को छोड़ के मुझे पकड़ लेगा, और जब मुझे पकड़ेगा तो मैं भागूंगा और वो मेरे पीछे पीछे आएगा जिससे कछुए की जान बच जाएगी। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, जानबूझकर हिरण बात मत करो, जानबूझकर शिकारी के नजदीक पहुंच गया। हिरण को देखते शिकारी ने अपना वाद फैला, बात मत करो रोहिती हो। इस प्रकार क्या किया, जो शिकारी थे शिकारी के नजदीक जैसे ही पहुंचा वो, तो हिरण को देखते ही शिकारी ने अपना वाद फैला जिसमें कछुए को बंद किया था गिरा दिया और हिरण के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। हिरण चलाकी से उसे एक पुरानी अंधेरी गुफा में ले गया। हिरण ने क्या किया, उसे चलाकी से अंधेरी गुफा में ले गया। वह जानता था कि यदि शिकारी एक बार अंधेरी गुफा में आ गया तो उसके लिए उस गुफा से बाहर निकलना असंभव होगा। शिकार ये हिरण क्या सोचता है कि अगर शिकारी एक भी बार अगर उस अंधेरी गुफा में चला जाता है तो उससे वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। मूर्ख शिकारी हिरण का पीछे करते हुए अंधेरी गुफा में घुस गया। वो क्या किया, वो मूर्ख था, वो भागते हुए क्या किया, अंधेरी गुफा में पहुंच गया और काफी अंदर घुस जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता खो बैठा। जब वो देखा गुफा के अंदर काफी अंदर तक चला गया तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था और अंदर ही भटकता रह गया। इसके विपरीत कुछ देर बाद चलाक हिरण गुफा से बाहर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, हिरण तो तेज था, वो भागते हुए दूसरी जगह से बाहर आ गया। शीघ्र ही हिरण उस स्थान पर पहुंच गया जहां कछुआ थैले में बंद था। वो जल्दी से क्या किया, वहां पहुंचा जहां पे कछुआ क्या था, थैले में बंद था। उसने कछुए को आजाद किया। उसी समय कठफोड़वा भी वहां पर आ गया। हिरण ने अपने मित्रों को शिकारी के विषय में बताया। उसने क्या किया, उसके विषय में बताया। तीनों मित्र खुशी से झूमने लगे क्योंकि अब उन्हें अत्याचारी शिकारी से मुक्ति मिल चुकी थी। समझ में आया ये चैप्टर? यस मैम। यस मैम। सभी को हर्ष, हर्षिता, राखी रानी, रोहित पीहु, सबको समझ में आया? अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी सच्चे मित्र की? यस मैम। हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, क्या उद्देश्य है इस कहानी का बताओ? मैम कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमारा, हाँ वेरी गुड, कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे, व्यक्ति क्या मित्र ही नहीं, व्यक्ति भी कोई भी इंसान अगर किसी मुसीबत में है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें उससे पीछे नहीं भागना चाहिए कि वो मित्र मुसीबत में है तो हम उसका साथ छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चे मित्र की खासियत यही है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान अगर किसी मुसीबत में है तो हमें उसका क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, क्यों, इसका रीजन क्या है कि आप अगर किसी की मदद करोगे तो आप कभी संकट में या मुसीबत में रहोगे तो वही दोस्त या कोई भी इंसान आपकी मदद करेगा। ठीक है, अगर हम किसी का भला चाहते तो हमारे साथ भी भला ही होगा, अगर हम किसी का बुरा चाहते तो हमारे साथ बुरा ही होगा। तो क्या था, हिरण की जान किसने बचाई थी, कछुए ने। और जब कछुए जब उसमें फंस गया, जान उसकी जान की बाजी लगी तो हिरण ने उसकी मदद की। क्यों, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। वो यही सोच के करता है ना कि इसने मेरी जान बचाई थी,
तो मैं भी इसकी जान बचाऊं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सरपट का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, सरपट भागा था ना, मतलब बहुत तेज। ठीक, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन से बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है रिशिता। यस मैम। शिकारी को कैसे पता चला कि हिरन आसपास ही है? मैम क्या चीज? शिकारी को कैसे पता चला था कि हिरन यहीं आसपास है? मैम उसकी बताओ? इसका पंजा था। मैम मिट्टी पे मैम जहां जहां जा रहा था वहां मैम छप रहा था ना, उसका निशान बन गया। तो जो मिट्टी थी, जो जमीन था, उसमें हिरण का निशान पंजों का बन गया था। ठीक है, पैर का। सेकंड क्वेश्चन है हर्षराज। यस मैम। शिकारी क्यों भयभीत था? शिकारी इसलिए भयभीत था कि मैम कठफुरवा उसके सिर पर हमला कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है रोहित पीहू। थर्ड क्वेश्चन है जाल में फंसे हिरण को छुड़ाने के लिए कठफुरवे ने किसको और क्या सलाह दी? बताइए ऋषिता। मैम जाल में फंसे हिरण को छुड़ाने के लिए कठफोड़वे ने किसको और क्या सलाह दी? बताओ। हाँ बताएं। हाँ बताओ हर्ष बेटा, आप बताओ। मैम कठफोड़वों ने कछुए को सलाह दी कि तुम्हारे दांत बहुत मजबूत हैं, तुम जाल को काट दो, कुटर दो। कठफुरवा शिकारी के तंबू के पास जा पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सिर्फ सीधा सा आंसर होगा कि कछुए को सलाह दी और उसे क्या सलाह दी थी कि तुम अपने मजबूत दांत से उस जाल को कुटर दो। फोर्थ क्वेश्चन है, कठफुरवे ने शिकारी के सिर पर चोंच क्यों मारी? मैं बताएं? हाँ बताओ। कठफुरवों ने शिकारी के सिर पर इसलिए चोट मारी थी कि शिकारी हिरण के पास आ ना सके। चलिए नेक्स्ट है, आप लोगों को बता दिए उद्देश्य तो बता ही दिए थे, क्या कहानी से शिक्षा मिलती है। सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक दिन एक शिकारी डैश के डैश आया जंगल। मैम जंगल के नदी में। बताओ तुम हर्ष, आप बताओ। एक शिकार करने जंगल आया। एक दिन एक शिकारी जंगल के किनारे आया। ठीक, नेक्स्ट है, मैंने पिछले कई दिनों से किसी भी डैश को नहीं पकड़ा, किसको? मैम जानवरों को। जानवरों को। वहां डैश अक्सर पानी पीने के लिए आता था। हिरण नदी में। हिरण नहीं, वहां हिरण होगा। ठीक है, यस मैम। कछुए ने डैश की सलाह मान ली। कठफुरवों की मैम। मैम कठफुरवों की। कठफोड़वा, ठीक। उसी समय डैश भी वहां पर आ गया। मैम हिरन नहीं। मैम क्या होगा? उसी समय शिकारी भी आ गया वहां पे। ठीक,
फिर उसके बाद है कि नीचे लिखे वाक्यों में से एक पटिक कर करना है कि सच्चा मित्र कौन होता है। इतने से आपको टिक करना है। मित्र जो है फर्स्ट हम पढ़ रहे, बताइएगा रॉन्ग होगा कि सही होगा, ठीक है, करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा। पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला या पढ़ाई छोड़ने को कहने वाला, इन दोनों में कौन होगा? नहीं, दो सेंटेंस देखो एक साथ है, उसमें एक पे टिक करना है। जो पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला या पढ़ाई छोड़ने को कहने वाला, इसमें से कौन सही है? पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला, प्रेरित करने वाला। सेकंड है रिशिता, आप बताएंगी बीड़ी सिगरेट शराब आदि नशीली चीजें पीने को कहने वाला या उनसे रोकने वाला? मैम उनसे रोकने वाला। थर्ड है मित्र को बुरे कार्यों में फंसा कर उसका समय नष्ट करने वाला या उससे एक एक पल का सदुपयोग करने को कहने वाला? हर्ष बताइए। एक उससे एक एक पल के उपयोग करने वाला। फोर्थ है रिशिता आपके लिए, मित्र से टीवी फिल्मों के विषय में गंदी बातें करने वाला या पढ़ाई के विषयों की बातें करने वाला? पढ़ाई के विषयों में बात करने वाला। फिफ्थ है मित्र के कठिनाई में पड़ जाने पर उसकी सहायता करने वाला या उसे छोड़कर भाग जाने वाला? मैम सहायता करने वाला। मैम सहायता करने वाला। मित्र को बाजारों चीजें खिलाने वाला या घर की शुद्ध चीजें खिलाने वाला? मैम घर की शुद्ध चीजें खिलाने वाला। वेरी गुड, तो इसका मतलब समझ गए चैप्टर आप लोगों का? यस मैम। देखिए कोई था जो जिसने कठफोड़वा के बारे में पूछ रहा था ना, शायद प्राची रानी थी ना, कठफोड़वा के बारे में पूछ रही थी। देखो कठफोड़वा का यहाँ पे दिया गया है कि कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी है। देखो कठफोड़वा पहला क्या होता है, वो पक्षी होता है जो अपनी तेज तथा मजबूत चोंच से पेड़ के तने में 15 से 45 सेंटीमीटर तक सुराख कर देता है। वो कितने सेंटीमीटर तक सुराख करता है, मतलब छेद करता है? 15 से 45 सेंटीमीटर तक वो क्या करता है, होल्ड कर देता है लकड़ी में, ठीक है। कठफोड़वे द्वारा बनाए गए सुराखों को छोटे पक्षी तथा गिलहरी आदि अपने घोंसले के रूप में प्रयोग करते हैं। जो ये जो बनाता है खोखला टाइप का, जो कर देता है खोखला, उसमें क्या होता है, जो छोटे पक्षी होते हैं और गिलहरी होती है वो क्या करती है, उसमें अपना घोंसला बनाती घर बना है, ठीक है, घर बना लेती है। वेरी गुड, तो इसका मतलब समझ गई चैप्टर? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर आप लोगों का बचेगा, अब वो कराएंगे हम नेक्स्ट टर्न पे जब मेरी क्लास होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला चैप्टर? बोलो हर्ष रिशिता, हेलो, क्या हुआ आवाज नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है। समझ में आ गया नहीं चैप्टर? यस मैम। चलो ठीक है, तो तुम लोग पढ़ो अच्छे से, फिर जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू बच्चों। बाय मैम।